अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट के, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स अपने या फैमिली के साथ अगर आप चाहें तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने की है एक छोटी सी शॉपिंग अमेज़ॉन से अपने घर के लिए और किचन के लिए, कुछ छोटे मोटे सामान मैंने लिए हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देते हैं ये वीडियो। हो सकता है आप सबको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल सकते हैं, मिल जाए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रोडक्ट के प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और डे बाय डे जो प्राइस होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। और सभी जितना भी मेरे पास जितना भी सामान मैंने लिया है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारे सामान मैंने अमेज़ॉन से परचेस किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा ये मिल्टन की टॉय बास्केट। आप इसको चाहें तो लॉन्ड्री पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने बेटे के टॉयस रखने के लिए इसको मंगाया हुआ है। ये मिल्टन कंपनी की है, मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगाया है। और इसमें 3 कलर्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ब्राउन कलर था, एक रेड कलर था। ब्राउन कलर पे क्रीम कलर का लिड लगा है और रेड कलर पे वाइट कलर का लिड लगा हुआ है। और मैंने लिया है ये ग्रीन कलर, क्योंकि मेरे बेटे का ग्रीन कलर फेवरेट है, तो मैंने उसके लिए ग्रीन कलर लिया है। और इस पर येलो कलर का लिड दिया हुआ है। बहुत प्यारे डिज़ाइन में ये है, इस तरह की बास्केट है। और स्पेस की अगर बात करें तो बहुत अच्छा स्पेस है इसमें, बहुत ढेर सारे टॉयज़ मेरे बेटे के इसमें आ जाते हैं। इसको लेने से पहले मैंने अपने बेटे के टॉयज़ को एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था उसमें रखा हुआ था, जो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। उसको बेड के नीचे सरकाना पड़ता था या अलमीरा के ऊपर रखना पड़ता था। लेकिन आप इसको बहुत आराम से अपने लॉबी में या अपने रूम में रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और इसका डिज़ाइन और इसका लुक बहुत ही प्यारा है। और ये 3 कलर्स में आपको मिल जाएगा। मैंने इसको 549 में परचेस किया था, लेकिन फिर वही बात कि डे बाय डे जो दाम होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। वैसे इस प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरी मिल्टन की बास्केट। आप इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे लॉन्ड्री पर्पज़ से यूज़ करिए, आप चाहे तो टॉयज रखने के यूज़ कीजिए, या आप इसमें जो भी सामान रखना चाहते हैं आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है मेरा ये प्रोडक्ट है ये नैपकिन होल्डर। ये नैपकिन होल्डर है, ये वॉल में बहुत आसानी से ड्रिल करके लगा दिया जाएगा। इसमें एक रोल आप आराम से हैंग कर सकते हैं। जो डेली किचन के काम होते हैं उसमें हमको नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम कभी ड्रॉअर वगैरह में डाल देते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको यूज़ करना, लेकिन इस नैपकिन होल्डर को आप हैंग कर दीजिए। इसमें रोल में नैपकिन आपका अपना मतलब रख के इसको हैंग कर दीजिए तो बहुत इजी हो जाता है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है और ये लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। ये रॉड आयरन का बना हुआ है। आप चाहें तो इसमें कलर ऑप्शन शायद थे, मुझे ठीक से याद नहीं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो तीसरी चीज़ मैंने मंगाई है, वॉल शेल्फ है ये। इसमें कलर ऑप्शन तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मुझे वाइट मिला है। और ये दो पीस में आता है, दो पीस में आता है। आप इसको ईजली टाइल्स वगैरह पे कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। चिपकाने के लिए दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से इसके हुक दिए हुए हैं। और ये आप इसको बाथरूम में चाहे किचन में आपकी जैसी मर्जी हो आप इसको हैंग कर सकते हैं। और अच्छा खासा इसमें स्पेस है, देखिए अच्छा खासा स्पेस है। आप चाहें तो इसमें ऑयल कंटेनर रख सकते हैं या ग्लासेस, कप, मग्स, या फिर सिंक एरिया के पास भी इसको हैंग कर सकते हैं। इसमें अपना डिश वॉशर, लिक्विड सोप या स्पंज वगैरह जो भी हो आप इसमें रख सकते हैं। आप इसको बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं, वो आप की मर्ज़ी है, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने इसको मंगाया हुआ है अमेज़ॉन से, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। इसमें बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, बहुत अच्छा सा स्पेस दिया हुआ है, जिसमें हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो बस तीसरा प्रोडक्ट था मेरा ये अमेज़ॉन से जो मैंने मंगाया है। तो ज़रूर से मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने मंगाया हुआ है ये वैक्सीटर। वैक्सिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बार बार पार्लर के चक्कर नहीं लगाना है। जैसे कि लॉकडाउन
टाइम था तो पार्लर बिल्कुल क्लोज थे, बिल्कुल बंद थे, तो हम लोग वैक्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वैक्स आप मंगा लीजिए, एक हीटर मंगा लीजिए, स्ट्रिप मंगा लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा वैक्सिंग करना। बार बार जैसे हम पार्लर जाते हैं उससे हमको छुट्टी मिल जाएगी। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और सारे प्रोडक्ट मैंने खोल के चेक कर लिए थे, क्योंकि 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है अमेजोन पे, तो अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज या कहीं से कुछ आ जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा वैक्स हीटर है, इसमें एक स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, और इसमें एक ये टब दिया है, एल्यूमिनियम का है ये टब, उसके ऊपर एक ये प्लास्टिक का लिड है, और ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिला था। आई थिंक मुझे ये 161 का मिला था, वैसे इसका जो प्राइस होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वैक्सिंग करना अब हो गया है बहुत इजी। कोविड सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा पार्लर जाने से भी हम लोग डरते हैं, अवॉइड करते हैं, ज़्यादा पार्लर नहीं जाते हैं। बस एक टाइम का ये आपको खर्च करना है, एक बार वैक्स हीटर मंगा लेना है, एक वैक्स मंगा लेना है, स्ट्रिप मंगा लेना है, इससे हम आराम से 4-5 बार वैक्सिंग कर लेते हैं। बस इसको प्लग को लगाना है और इसको ऑन करना है। वैक्स इसमें 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। तो ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट था, आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये मेरा एक प्लांट स्टैंड है, ये बहुत प्यारे से क्यूट से छोटा सा है, लेकिन मैंने जब इसकी इमेज देखी थी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ इसकी मैंने जब इमेज देखी थी तो मुझे ये काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको मंगाया तो इसका साइज़ से थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा वो हुआ कि काफ़ी छोटा है ये, लेकिन एक तो 3 स्टैंड का ये हुआ, ये है काफ़ी प्यारे से छोटे से लुक में है, जो आपके घर की शोभा बहुत बढ़ाने वाला है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा वुड का बना हुआ है, 3 स्टेप इसमें दिए हुए हैं, एक स्टेप पे आप एक प्लांट, या अगर आपके पास छोटे प्लांटर हैं तो आप 2 प्लांट्स पे रख सकते हैं, और जैसे कि इस पे 2 रख दीजिए, इस पे 2, 6 और 1 नीचे करके प्लांट अगर आप रखते हैं तो 6 या 7 प्लांट रख सकते हैं। तो डेकोरेट के पर्पज़ से अगर आप इसको लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्मॉल थोड़ा सा है, साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, बाकी ये वुड का बहुत ही खूबसूरत सा है, और देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है। तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो बस सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, मैंने क्या क्या मंगाया है, और कुछ भी आगे इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, तो शॉपिंग तो चलती रहेगी, वो भी हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इन सामानों से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलेगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप मंगाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कीजिएगा, मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।